किसी और का नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी हद तक बढ़ चुकी है, ये वीडियो दिल्ली के इंदर लोग का है, जहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं सजदे में और पीछे से अगर चौकी इंचार्ज लात मारता है। वैसे दिल्ली में या देश में हर महीने कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन चंद मिनट के नमाज को लेकर दिल्ली में अस मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी हद तक बढ़ चुकी है। दिल्ली पुलिस के उत्तरी डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि वीडियो में जो चौकी इंचार्ज दिख रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल। सर, जनता के लिए क्या अपील है अभी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर अभी? जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, वो बरकरार रखनी है, और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलकर यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मिलती है। सर, सस्पेंड कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? अभी जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया है, जो वीडियो में दिख रहे हैं। जो वीडियो में दिख रहे हैं सस्पेंड भी कर दिया गया है, और उस चौकी इंचार्ज का नाम है मनोज कुमार तोमर। यहाँ पे लीगल कार्रवाई काफ़ी नहीं है और उसे सस्पेंड करना भी काफ़ी नहीं है, लेकिन जिस सोच ने चौकी इंचार्ज से ये काम करवाई है वो सोच पूरी तरीके से राजनीति है। उस राजनीति ने उस पुलिस वाले के मन में जहर भरा मुसलमानों के खिलाफ, और इस जहर को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये जहर बहुत सारे लोगों को दंगाई बना चुका है। अब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ये हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। कोई सजदे में है, पीछे से आकर लात कैसे मार सकते हैं? अबू धाबी जाकर मंदिर का उद्घाटन करते हैं और यहाँ पे खबर छपवाते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा यहाँ तक पहुँच रही है, मंदिर बन रही है, लेकिन अपने ही देश में मुसलमानों के साथ में ऐसी बर्ताव होती है। वैसे दिन ब दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है ताकि गुस्से में आकर वो कुछ कह दे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, बस यही एक रास्ता बचा है वोट पाने के लिए। लेकिन इतने हद तक नीचे गिर जाना ये कहाँ तक का सही है? लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी है? ये जहर एक पक्ष को गुंडा बना रहा है। किसी और का नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। और वहीं दूसरी पक्ष को हताश और हीन भावना से भर रहा है। हम यहाँ शांति से नमाज पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ हमें नमाज पढ़ने नहीं दे रहे लोग, और ऊपर से मेरे साथ मारपीट की। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ खड़ा था खाली, मेरे से बोला चल निकल, मेरे पीछे से थप्पड़ मारा। कौन सा मजहब ऐसा है जो किसी की चीज़ को, पूजा को मना करता है या नमाज पढ़ने को मना करता है? क्या राम मना करते हैं कि नमाज मत पढ़ो? क्या अल्लाह मना करता है कि मंदिर मत जाओ? ये बताइए आप। हम यहाँ क्या नमाज, एक शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, हम डेली नहीं आते। क्यों पढ़ोगे ये बताओ ना, किस लिए पढ़ोगे? तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा, और जैसे कि वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जो कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।